माननीय मेश्राम साहब करेंगे। अभी इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय मेश्राम साहब आपके विचार व्यक्त करेंगे। साथियों, आज 26 मई का दिन है और बुद्ध जयंती का दिन है। आज बुद्ध जयंती दुनिया के 180 देशों में मनाई जा रही है। दुनिया में 211 देश है और 211 में से 180 देशों में बुद्ध जयंती मनाई जा रही है। इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि बुद्ध की महानता ब्राह्मणों ने चाहे बुद्ध को समाप्त करने की जितनी भी कोशिशें की, मगर बुद्ध को वो समाप्त करने में कामयाब नहीं हुए। आज बुद्ध का जन्मदिन 211 देशों में से 180 देशों में मनाया जा रहा है और इस मौके पर विलास खरात के द्वारा पंढरीचा पांडुरंग कोण याने पंढरपूर का पांडुरंग कोण है, इस विषय पर उन्होंने जो किताब लिखी है, उस किताब का विमोचन करने का कार्यक्रम रखा गया है और उस विमोचन के कार्यक्रम के लिए आज ये कार्यक्रम रखा गया है और इस विमोचन के कार्यक्रम के दौरान बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बहुत विस्तार से कही है। मैं भी कुछ बातें आज के मौके पर आप सभी लोगों के सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले मैं इस विषय पर विषय वस्तु का विस्तार करने के पहले बाबा साहब अंबेडकर इस विषय पर किताब लिखने वाले थे, उन्होंने इस विषय पर किताब लिखी भी थी, ब्राह्मणों के द्वारा षड्यंत्र करके उस किताब को गायब किया गया ऐसा लगता है, मगर जो जानकारी हमें उपलब्ध हुई उसके अनुसार बाबा साहब अंबेडकर पंढरपुर के मंदिर में गए थे और जाने के बाद जब उन्होंने देखा तो दीवारों पर पाली भाषा में कुछ लिखा हुआ है। जब उन्होंने
पाली भाषा में कुछ लिखा हुआ देखा तो बाबा साहब अंबेडकर पाली भाषा पढ़ सकते थे और समझ सकते थे, क्योंकि पाली भाषा में उन्होंने एक डिक्शनरी लिखी है। उसका अर्थ बताने वाली डिक्शनरी लिखी है तो वो सारी बातें जानते थे। और ये बात बाद में आकर उन्होंने बताई। जब ये बात ब्राह्मणों को मालूम हुई तो अब पता चला कि जो ओरिजिनल दीवार थी उस पर सुनने में आया कि उसको छुपाने के लिए जो पाली में लिखा हुआ है ओरिजिनल मंदिर है, वो ओरिजिनल बुद्ध विहार है, और उस में पाली में लिखा हुआ ओरिजिनल दीवारों पर था, तो इससे वो 200% प्रमाणित हो सकता था। उसको ब्राह्मणों ने बाद में उसको छुपा दिया है और अब वो दिखाई नहीं देता है। छुपाने के लिए वहां उन्होंने ऐसा पता चला कि चांदी के पत्रों का इस्तेमाल करते हुए उसको ढका गया है, छुपाया गया है। तो अन्यथा बहुत ज्यादा सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती, और वो दीवार जो है चीख चीख कर जोर से बोल देती कि ये जो मंदिर है ये बुद्ध का मंदिर है और ये जो मूर्ति है ये बुद्ध की मूर्ति है। वैसे नामदेव महाराज ने जो अभंग लिखा है उस अभंग में उन्होंने लिखा, शोधाचा महाशोध बोधाचा महाबोध शुद्धाचा ही शुद्ध बुद्ध विटेवरी। एने विटेवरी मराठी शब्द है, उसको हिंदी में ईंट कहते हैं। दीवार बांधने के लिए जो ईंट होती है उसको ईंट कहते हैं। तो ईंट पर खड़ा जो है वो कोई और नहीं बुद्ध ही है, ऐसा नामदेव महाराज ने लिखकर रखा अभंग में। उन्होंने ये नहीं लिखा विट्ठल विटेवरी, उन्होंने लिखा बुद्ध विटेवरी। ऐसा उन्होंने क्यों लिखा? क्योंकि नामदेव महाराज का उस बुद्ध विहार में मंदिर में गर्भगृह तक प्रवेश होता था और उन्होंने अपनी आंखों से बुद्ध की मूर्ति को अपनी आंखों से देखा था, और आंखों से देखने की वजह से नामदेव महाराज ने लिखा बुद्ध विटेवरी, यानी बुद्ध ईंट पर खड़े हैं, विट्ठल ईंट पर खड़े हैं ये नहीं कहा, बुद्ध ईंट पर खड़े हैं ये कहा। तो इसका मतलब है नामदेव महाराज ये आई विटनेस है। इस मूर्ति को विट्ठल कहा जा रहा है, वो बुद्ध की मूर्ति है, ऐसा खुद नामदेव महाराज ने अपने अभंग में कहा और उसको लिख कर रखा। ये लिखित सबूत है और लिखित सबूत होने की वजह से और दूसरे संतों ने भी
उसे बुद्ध कहने की वजह से अब ये क्रॉस एविडेंस में भी सिद्ध हो गया कि वो ईंट पर बुद्ध ही खड़े हैं और दूसरा तीसरा कोई नहीं है, बुद्ध ही है, ये बात सिद्ध होती है। तो इस संबंध में कुछ और बातें भी मैं आप लोगों के सामने इस मौके पर कहना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो यह है, उसको जानना और समझना बहुत जरूरी है और वो बहुत महत्वपूर्ण है ऐसा मुझे लगता है। पंढरपुर की महानता क्या है? तो पांडुरंग जो है वो महाराष्ट्र का आराध्य दैवत है, यानी सारे महाराष्ट्रीयन लोगों का आराध्य दैवत है। तो सारे महाराष्ट्रीयन लोगों का आराध्य दैवत है, इस बात को महाराष्ट्र की सरकार भी मान्यता देती है और हर साल महाराष्ट्र सरकार की तरफ से वहां पांडुरंग की पूजा करने के लिए मुख्यमंत्री सपत्नीक जाते हैं और दूसरे दिन सारे महाराष्ट्र के अखबार में इस खबर को छापा जाता है और ज्यादातर वो मुख्यमंत्री मराठा जाति के होते हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये कोई सामान्य घटना नहीं है, जिसे समझना जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस संबंध में और भी कुछ बातें मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं। महाराष्ट्र की स्थापना 1960 में हुई और ये जो महाराष्ट्र की स्थापना 1960 को हुई, ये भारत के संसद के द्वारा कानून बनाकर महाराष्ट्र की स्थापना हुई, मगर ये सामान्य तरीके से नहीं हुई, बहुत असामान्य तरीके से हुई। लगभग 107 यानी इसके लिए जब आंदोलन चला, महाराष्ट्र की स्थापना की जाए उसके लिए अलग से आंदोलन चला, मराठी भाषिक लोगों का अलग राज हो, इसके लिए जब बहुत बड़ा आंदोलन चला, तो उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मराठी भाषिक आदमी नहीं थे बल्कि गुजराती भाषिक थे, उनका नाम था मोरारजी देसाई और ये गुजराती ब्राह्मण थे। गुजराती ब्राह्मण होने की वजह से या ब्राह्मण होने की वजह से वो ये बात जानते थे कि महाराष्ट्र की अगर अलग स्थापना हो जाती है तो ये नाग लोगों का अलग राज्य होगा भारत में, क्योंकि राजवाड़े ने ये लिख कर रखा है कि महाराष्ट्र की स्थापना नाग लोगों के द्वारा की गई है और यदि महाराष्ट्र की अलग से स्थापना हो जाती है तो स्थापना होने के बाद
ब्राह्मण भविष्य में मुख्यमंत्री नहीं हो पाएगा और इसका मुख्यमंत्री जो भी होगा वो नाग ही होगा। नाग कोई सांप अंडे से निकले हुए प्रजाति के लोग नहीं, मनुष्य समूह है। नाग एक टोटेम है और ये मनुष्य समूह के लोगों का नाम है। पहले तो ये बात समझना जरूरी है। ब्राह्मणों ने इतिहास में बहुत ज्यादा जो गड़बड़ी करने की कोशिश की, इसके तहत उनको नागों को उन्होंने सांप बताने की कोशिश की, जबकि ये बात सही नहीं है। नाग लोगों का राज था। महाभारत में इसके एविडेंस है। तक्षक उसके राजा का नाम था, वो कोई सांप नहीं था, इंसान था। तो नाग लोग जो है ये लोक समूह था। जब महाराष्ट्र की स्थापना नाग लोगों ने की और यदि महाराष्ट्र का अलग स्टेट बन जाता है तो उसका मुख्यमंत्री नाग ही होगा, ये सोचने की वजह से, क्योंकि ब्राह्मण इस बात को जानते थे, क्योंकि राजवाड़े ने इस बात को लिख कर रखा था और ब्राह्मण इस बात को जानते थे और इसलिए ब्राह्मणों ने महाराष्ट्र की स्थापना करने के लिए अवरोध खड़ा किया। मोरारजी देसाई इसके बहुत विरोध में थे। देश के प्रधानमंत्री ब्राह्मण जवाहरलाल नेहरू ये भी विरोध में थे। और जब महाराष्ट्र की स्थापना करने के लिए 107 लोग शहीद हुए, ये ब्राह्मण कितना ज्यादा विरोध में थे, तो 107 लोगों को मारा उन्होंने, 107 लोगों को शहीद किया, हत्या की। और जब उसका असंतोष बहुत बढ़ गया तो मजबूर होकर फिर जवाहरलाल नेहरू को, मोरारजी देसाई को इस बात को स्वीकार करना पड़ा और स्वीकार करने के बाद संसद में कानून बनाकर महाराष्ट्र की स्थापना की गई। और फिर महाराष्ट्र की स्थापना करके यशवंतराव चव्हाण जो मराठा जाति के थे और जिनके बाप दादा पुरखे प्राचीन भारत में नाग लोग थे, उस नाग के वंशज का वर्तमान आदमी यशवंतराव चव्हाण, उनको मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। वो पहले से जानते थे ऐसा होगा, ऐसा उनको मजबूरी में करना पड़ा। वो करना नहीं चाहते थे मगर 107 लोगों के शहीद होने की वजह से उनको ऐसा करना पड़ा। इससे सिद्ध होता है कि महाराष्ट्र की स्थापना कोई सामान्य तरीके से नहीं हुई और 107 लोगों को मरना पड़ा। और मरना पड़ा तो इससे सिद्ध होता है कि ये नाग लोगों ने अपना पुराना वैभव प्राप्त करने के लिए, राज्य स्थापित करने के लिए 107 लोगों ने कुर्बानियां दी। और कुर्बानियां देने वाले लोग दुनिया में महान माने जाते हैं, तो ये नाग लोग दुनिया में वैसे ही महान लोग थे और इस वजह से उन्होंने अपना राज्य आधुनिक भारत में स्थापन करने के लिए कुर्बानियां दी। ये जो नाग लोग जो है ये कौन लोग थे, इसके बारे में भी हमारे लोगों को जानकारी रखना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने पहले कहा कि नाग लोग जो है ये लोक समूह था, ये अंडे से निकले हुए लोग नहीं, ये मनुष्यों का लोक समूह था और नाग इनका टोटेम था। नाग उनका टोटेम होने का कोई हिस्टोरिकल वजह रही होगी, वो ये कि ये बहुत ज़्यादा आक्रामक लोग थे, बहुत ज़्यादा बलशाली लोग थे, बहुत ज़्यादा सामर्थ्यशाली लोग थे
यही वो नाग लोग थे जिन्होंने भारत में बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं इसका मूल संस्थापक शिशु नाग था। उसके घराने में बाद में चंद्रगुप्त पैदा हुए और उसी के राज में बाद में सम्राट अशोक ने बहुत बड़ा विस्तार किया। ब्रह्मदेश से लेकर अफगानिस्तान तक ये सारी की सारी भूमि जो थी, ये सारी की सारी भूमि भारत का मौर्यकालीन नक्शा था। और ये जो मौर्यकालीन नक्शा था, आज ये नक्शा छोटा हो गया है, उसकी वजह ब्राह्मण है। अगर ब्राह्मणों ने सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या अगर नहीं की होती, अगर सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या ब्राह्मणों के द्वारा नहीं की होती, तो भारत का नक्शा अफगानिस्तान के बॉर्डर तक होता और अफगानिस्तान तक के लोग जो है, जो आज मुस्लिम दिखाई देते हैं, या पाकिस्तान के सारे लोग मुस्लिम दिखाई देते हैं, पाकिस्तान में आज भी जो तक्षशिला जो दुनिया की बहुत बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी थी, उसकी भूमि आज भी पाकिस्तान में है, इससे सिद्ध होता है कि ये सारी की सारी भूमि में रहने वाले लोग बौद्ध को मानने वाले उनके अनुयायी हुआ करते थे। ब्राह्मणों की वजह से जब सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या की गई तो सारे देश भर में आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, छोटे छोटे राज बने, टुकड़े हुए, फिर वो आपस में लड़ते रहे, खपते रहे, और ब्राह्मणों ने विदेशी लोगों को भारत में आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया, और फिर भारत के टुकड़े हुए और विदेशी लोगों का आक्रमण हुआ, और इसकी वजह से आज भारत का जो छोटा नक्शा है और उसके लिए ब्राह्मण जिम्मेदार है, इसके लिए ब्राह्मणों को देशद्रोही कहा जा सकता है। क्योंकि आज भारत का जो छोटा नक्शा है, वो छोटा नक्शा बनाने के लिए भी ब्राह्मण ही जिम्मेदार है, और इसके आधार पर ब्राह्मणों को देशद्रोही कहा जा सकता है। 157 वर्सेस 15 वोटों से कांग्रेस महासमिति में भारत के विभाजन का प्रस्ताव कांग्रेस के ब्राह्मण नेताओं ने ही पारित किया है, ऐसा सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उपलब्ध है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। पट्टा भी सीतारामैया के हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट में ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, इससे ये बात सिद्ध की जा सकती है। दूसरी बात मैं नाग लोगों के संबंध में ये कहना चाहता हूं कि नाग लोग ही भारत के असली मूलनिवासी लोग हैं। जिसे हम आज मूलनिवासी कह रहे हैं, वो सारे मूलनिवासी नाग लोग हैं। जो मूलनिवासी है वही नाग लोग है, और वही नाग लोग मूलनिवासी है। झारखंड में छोटा नागपुर नाम का एक भौगोलिक क्षेत्र है, वहां जितने ट्राइब्स है वो सारे नाग ट्राइब्स है, ये भी वहां सारा का सारा हिस्टोरिकल एविडेंस है। तो इन सारी बातों से ये बात प्रूव होती है, सिद्ध होता है। अभी कुछ बातें ऐसी भी सामने आ रही है कि जो पश्चिम भारत के जो भिल्ल ट्राइब्स है उनके भी नाग होने के प्रमाण उपलब्ध है। जो मीना ट्राइब है वो तो निर्विवाद रूप से नाग ट्राइब है, मगर भिल्लों के बारे में भी अभी नए एविडेंस सामने आए हैं। तो ब्रीफ में ये कहा जा सकता है कि जो मूल निवासी है वही नाग लोग है, और जो नाग लोग है वही मूल निवासी है। ये नाग लोग बहुत आक्रामक लोग थे, बहुत बलशाली लोग थे, बहुत सामर्थ्यवान लोग थे,
राजनीतिक संस्थाओं का इन्होंने ही निर्माण किया, ये राजनीतिक संस्थाओं के निर्माता थे। ब्राह्मणों के बारे में कहीं पर भी ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने कोई राजनीतिक संस्थाओं का बड़े पैमाने पर निर्माण किया भारत के इतिहास में, मगर नाग लोगों के बारे में ये कहा जा सकता है। और इसी वजह से ये कहा जा सकता है कि वो बहुत आक्रामक और बहुत बलशाली और सामर्थ्यशाली लोग थे। इस वजह से ब्राह्मणों ने नाग लोगों को जब सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या की, उसके बाद उनको टुकड़ों में विभाजित करने के लिए जातियां बनाई। ऐसे कहा जाता है कि बुद्ध के समय में भी जातियों की उत्पत्ति का प्रारंभ हो रहा था, मगर मैं ऐसा कहना चाहता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बुद्ध के समय की जो जाति व्यवस्था थी वो जाति व्यवस्था बुद्ध के समय में, जिसे आज के तारीख में जाति व्यवस्था कहा जाता है, वैसी कोई बात नहीं थी। बल्कि ये कहा जा सकता है कि वो जातियाँ केवल व्यवसाय करने वाले लोगों के ग्रुप्स थे, उनको जातियाँ नहीं कहा जा सकता। मगर बाद के समय में जब सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या की गई, उसके बाद इन व्यवसायिक ग्रुपों को ब्राह्मणों ने राजनीतिक सत्ता के बल पर, राजनीतिक सामर्थ्य के बल पर जब प्रतिक्रांति की, उसके बाद ब्राह्मणों ने इन व्यवसायिक ग्रुपों को जाति व्यवस्था में रूपांतरित करने की कोशिश की हो, और उसके लिए ब्राह्मण धर्म का और राजनीतिक शक्ति का समर्थन खड़ा किया हो और उसके बल पर ऐसा किया हो, ऐसा कहा जा सकता है। और इस तरह से आज के तारीख में 1703 जाति के लोग अछूत जाति के लोग हैं। अछूतों की संख्या भारत सरकार के अनुसार 1703 जातियां है अछूतों की, 801 ट्राइब्स है, और 3743 मंडल कमीशन के अनुसार ओबीसी के लोग हैं। इसमें और भी वर्ण व्यवस्था के अंदर शामिल जो शूद्र जातियां है, जिनको मंडल में शामिल नहीं किया गया, जैसे गुजरात की लेवा कड़वा पटेल, महाराष्ट्र की मराठा, और तेलंगाना और आंध्रा की कम्मा और रेड्डी, और ऐसी कुछ जातियां है, और साउथ में और भी जातियां है जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि वो वर्णा सिस्टम में ब्राह्मणों के अनुसार शूद्र ही जातियां ब्राह्मण मानते थे, मगर मंडल कमीशन में ब्राह्मणों ने एक रणनीति के तहत उनको अलग रखा ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट पर उनके समर्थन से कब्जा किया जा सके। ये एक बहुत अलग विषय है, इस पर भी बहुत विस्तार से बहुत सारी बातें कही जा सकती है। इस तरह से 6247 टुकड़े ब्राह्मणों ने किए, यानी मूल निवासियों के टुकड़े 6247 किए। मगर मैं बहुत दिन तक ये सोचता था कि मूल निवासियों के टुकड़े क्यों किए, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कोई न कोई बड़ी वजह होनी चाहिए। बाद के समय में मुझे ये बात समझ में आई कि ये मूल निवासी कोई और नहीं है, नाग है। नाग बहुत बलशाली, बहुत आक्रामक और साम्राज्य स्थापन करने वाले बहुत सामर्थ्यशाली लोक समूह था। इस वजह से, और ब्राह्मणों के कट्टर दुश्मन थे, कट्टर शत्रु थे, संस्कृत भाषा में इसको महाअरी कहा गया है। और इस तरह से ये बात दिखाई देती है, ये बात सामने आती है, और इसके आधार पर ये बात कहा जा सकता है कि ब्राह्मणों ने नागों को टुकड़ों में विभाजित करने की कोशिश की, और उसके लिए राज्य संस्था का और उसके लिए धर्म संस्था का, ब्राह्मण धर्म का राजनीतिक सत्ता के बल पर इस्तेमाल किया, ऐसा कहा जा सकता है।
दूसरी एक महत्वपूर्ण बात इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं, वो ये वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। सम्राट बृहदत्त मौर्य की विश्वासघात के साथ और धोखाधड़ी से उसकी हत्या की गई। ब्राह्मणों ने आमने सामने लड़ाई लड़कर विजय प्राप्त नहीं किया, धोखाधड़ी से विश्वासघात से हत्या की और हत्या करने के बाद वो राज्य उन्होंने हड़पने की कोशिश की। पुष्यमित्र शुंग ने बाद में अपना राज्य, जिसने ये हत्या की उसकी राजधानी अयोध्या को बनाया। ऐसे जो इविडेंस उपलब्ध है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि अयोध्या में उन्होंने अयोध्या को राजधानी बनाया। तो इस तरह से उन्होंने ये राज्य जो है अभी विश्वासघात और धोखाधड़ी के साथ में ये काम किया और हिंसा के द्वारा, संगठित हिंसा के द्वारा ये सारा षड्यंत्र करके संगठित हिंसा के द्वारा ये हत्या की गई। आजकल संगठित हिंसा के विरोध में भारत सरकार ने संगठित हिंसा के विरोध करने के लिए कानून बनाया है, आतंकवाद विरोध का कानून बनाया है। अगर ये हिस्टोरिकल इविडेंस जो मैं कह रहा हूं उसके आधार पर बात किया जाए तो संगठित हिंसा का इतिहास ब्राह्मणों के साथ जुड़ा हुआ दिखाई देता है। ब्राह्मणों की बहुत सारे देवता हथियार लेकर ही दिखाई देते हैं, कोई भी ब्राह्मणों का देवता बगैर हथियार वाला नहीं दिखता है। जब ब्राह्मणों का कोई भी महान देवता बगैर हथियार वाला दिखाई नहीं देता, उसके हाथों में हथियार ही होते हैं। अगर विठ्ठल ब्राह्मणों का देवता है तो उसके हाथ में हथियार क्यों नहीं है? उसके हाथ में कोई हथियार नहीं है। इसका मतलब भी ये कहा जा सकता है कि वो ब्राह्मणों का देवता नहीं है इसलिए हथियार नहीं है। मगर ब्राह्मणों के देवताओं के पास जो हथियार दिखाई देते हैं उसको भी ये कहा जा सकता है कि ब्राह्मणों का धर्म जो है संगठित हिंसा पर खड़ा है। इस संगठित हिंसा मानने वाले लोग हैं। सावरकर ने किताब लिखा साहस सोनेरी पान, उसमें भी उसने ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि हमने सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या की। इस बात को उन्होंने स्वीकार किया, हिंसा करके हत्या की, उस हत्या का समर्थन किया और देश को, राष्ट्र को बचाने के लिए विदेशी आक्रमणकारी लोगों का आक्रमण हो रहा था और ये राजा कुछ कर नहीं रहा था इसलिए हमने उसकी हत्या की। मगर जब तक सम्राट अशोक थे तब तक किसी विदेशियों का आक्रमण नहीं हुआ, बल्कि आक्रमण अशोका के द्वारा होता रहा ग्रीक तक, और वहां तक उन्होंने अपना राज्य विस्तारित करने की कोशिश की। इसके भी सारे एविडेंस अवेलेबल है। और ग्रीक तक अशोका ने इस बुद्ध की विचारधारा को आगे फैलाया ऐसा कहा जाता है। तो ये बहुत बलशाली सामर्थ्यशाली लोग थे, ये कोई अंडे से निकले हुए सांप नहीं थे, नाग नहीं थे, ये लोक समूह था। तो बाद के समय में इस बलशाली सामर्थ्यशाली लोगों को हिंसा के बल पर ब्राह्मणों ने 6,247 जातियों को में विभाजित किया। इसके लिए राज्य सत्ता का इस्तेमाल किया, हिंसा का इस्तेमाल किया, और इतना ही नहीं बल्कि
धर्म को इसके समर्थन में खड़ा किया। और इस वजह से ब्राह्मण लोग ये प्रचार करते हैं कि बुद्ध की अहिंसा ने लोगों को शंड बनाया और इस वजह से विदेशियों का आक्रमण हो रहा था, ऐसा वो प्रचार करते हैं। जबकि बुद्ध की अहिंसा राज्य की रक्षा करने के लिए मिलिट्री खड़ी नहीं करनी चाहिए, इसका कभी वो विरोध नहीं करते थे। बल्कि अशोका की मिलिट्री थी, अशोका का बहुत बड़ा साम्राज्य था, अशोका ने बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था, उसकी बहुत बड़ी मिलिट्री थी, बहुत बड़ी सेना थी, और वो जब तक जीवित थे तब तक हमेशा विजयी होते रहे। इसलिए ये आरोप निर्विवाद रूप से गलत है, झूठा है। मगर हत्या का समर्थन करने के लिए उन्होंने इस झूठ का प्रोपोगंडा किया है, ऐसा कहा जा सकता है। और मैं ये खास बात कहना चाहता हूँ कि आज जो नाग लोग हैं, यही मूलनिवासी लोग हैं, और उनको 6,247 जातियों के टुकड़ों में उन्होंने बांटा है। ये बटे हुए लोग नहीं हैं, ये बांटे हुए लोग हैं, ब्राह्मणों के द्वारा बांटे हुए लोग हैं। तो ये लोग, ब्राह्मण लोग अंग्रेजों पर आरोप लगाते हैं, बांटो और राज करो, ये अंग्रेजों का सिद्धांत था, ऐसा कहते हैं। 200% झूठ बात है, अंग्रेजों का सिद्धांत नहीं था। अंग्रेजों ने तो हिंदू मुसलमान केवल दो टुकड़े किए थे, मगर ब्राह्मणों ने 6,247 टुकड़े किए। ये मैं टुकड़े कम कह रहा हूँ, और भी टुकड़े बाहर हैं, ये तो केवल रिकॉर्ड में आए हुए टुकड़ों की बात मैं कह रहा हूँ। ये 7,000-8,000 भी हो सकते हैं, ये टुकड़े उन्होंने किए, ऐसा कहा जा सकता है। तो आज जो 6,200 अधिकृत 47 जातियाँ जो है, ये नाग लोगों के टुकड़े हैं, ये सारे के सारे नाग लोग हैं। तो ये सारे के सारे नाग लोग जो है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये सारे के सारे नाग लोग भारत के महान शासक लोग थे, महान लोग थे। और ये शासक लोग जो महान लोग थे नाग लोग, उन्होंने बुद्ध के समतावादी विचार को, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित विचार को उन्होंने राजाश्रय दिया। बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियाँ ऐसी दिखाई देती है जिसमें बुद्ध के मूर्ति पर नाग लोगों का, नागों ने छत्र धारण किया है, ऐसा बहुत सारी मूर्तियाँ अवेलेबल है। नेपाल के जो राजा, अब राजा वहाँ खत्म हो गए, राजाशाही, वहाँ पर जो राजघराना था, वो जिस सिंहासन पर बैठता था, उस सिंहासन का भी छत्र नागों का था। इससे सिद्ध होता है कि जो नेपाल का राजघराना था वो बुद्धिस्ट था, और वो गोरखनाथ को अपना आराध्य दैवत मानते थे। और गोरखनाथ के बारे में ये कहा जाता है कि वो तंत्र यानी बुद्ध शाखा के बहुत बड़े आचार्य थे, और इस तरह से तंत्रयानी शाखा के बुद्धिस्ट थे, ये उसके बारे में कहा जाता है। तो ये नाग लोग जो है, ये इस तरह से इस देश के मूल निवासी थे, और उनको 6,247 जाति के टुकड़ों में विभाजित किया गया है। और इस नाग लोगों का जो इतिहास है, वो धीरे 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 लोगों के सामने आ रहा है, खुलकर आ रहा है, और आने वाले समय में हो सकता है इसके बारे में और भी ज़्यादा शोध हो और बातें सामने आए। ये महत्कार्य अभी शुरू हुआ है, और इस पर प्रकाश डालना आने वाले समय में और ज़्यादा ज़रूरी है, ये मैं मानता हूँ। दूसरी एक और बात भी जानना और समझना जरूरी है कि जो प्राचीन नाग लोग थे, उनका दैवत कौन था। तो ये बात सिद्ध होता है कि नाग लोगों ने बौद्ध धर्म को राजाश्रय दिया था, छत्र धारण करने की जो संकल्पना है, उससे ये बात पुरातत्व के आधार पर प्रमाणित की जा सकती है, और उससे ये सिद्ध किया जा सकता है
कि नाग लोगों ने जिनका साम्राज्य था उन्होंने बौद्ध धर्म को राजाश्रय दिया और इस तरह से बौद्ध जो है ये नाग लोगों का राष्ट्रीय दैवत थे। अगर नाग लोगों का राष्ट्रीय दैवत बुद्ध थे, अगर नाग लोगों के राष्ट्रीय दैवत बुद्ध थे, तो इससे अपने आप स्वाभाविक रूप से सिद्ध होता है कि महाराष्ट्र के नाग लोगों के दैवत भी बुद्ध थे। महाराष्ट्र की स्थापना नाग लोगों ने की। अगर राष्ट्रीय स्तर पर नाग लोगों के दैवत बुद्ध थे और नाग लोगों ने अगर महाराष्ट्र की स्थापना की, तो स्वाभाविक रूप से यह सिद्ध होता है कि महाराष्ट्र के नाग लोगों के भी दैवत बुद्ध ही थे। सारे देश भर में जो मूल निवासी बहुजन समाज है, नाग पंचमी का त्यौहार करते हैं। ब्राह्मण बिल्कुल भी नाग पंचमी का त्यौहार नहीं करते हैं। तो सारा बहुजन समाज नाग पंचमी का त्यौहार क्यों करता है? एक विचार करने वाली बात है। उसकी वजह यह है कि इनके पुरखे नाग लोग थे, इसके मेमोरी में नाग पंचमी का त्यौहार किया जाता है और इस तरह से ये नाग लोग आज भी परंपरा में नाग लोग हैं, ये इसके द्वारा सिद्ध होता है। मैं जिस गांव का रहवासी था महाराष्ट्र में, यवतमाल जिले में, दारवा तहसील में, रामगांव रामेश्वर में, वहां पर हमारे बचपन के समय में कानों में पीतल के या तांबे के बाया डालने का रिवाज था। दूसरे एरिया में था या नहीं था मालूम नहीं। कानों में पुरुष लोग कानों में बाया डालते थे, उसको बाया बोलते थे हमारे देशी भाषा में, वराड़ी भाषा में। वो तांबे के या पीतले के होते थे और वो हैरान करने वाली बात थी कि वो बाया नाग का होता था, उसमें नाग बनाया जाता था और वो नाग बनाकर कान में डाला जाता था, कान में छेद करके डाला जाता था। जो पीतल है और जो तांबा है वो धातु नरम होता है और उसको गाढ़ बांधने की व्यवस्था होती थी नरम होने की वजह से, और ऐसी गाढ़ जो है कान में बाड़ी जाती थी। मेरे बचपन में मेरी देखी हुई बात है, इसलिए इस बात को सबूत के तौर पर मैं पेश कर रहा हूं क्योंकि ये भी एक हिस्टोरिकल सबूत है। दूसरी एक बात, ये जो नाग लोग हैं ये अभिवादन में राम राम नहीं करते थे। इवन छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी अपने अभिवादन में जोहार कहा, अपने अभिवादन में बाबा साहब अम्बेडकर ने पत्र व्यवहार में जोहार लिखा। और जब मैं झारखंड में गया था तो वहां के आदिवासी भी जोहार कहते थे। तो जोहार शब्द जो है बाबा साहब अम्बेडकर का कहना है कि ये योद्धार शब्द से बना है। जोहार शब्द जो है योद्धार से बना है और योद्धार शब्द जो है युद्ध से बना है और युद्ध का मतलब है लड़ाई है और लड़ाई का संबंध नाग लोगों के साथ है। इस तरह से उसको जोड़कर देखने से उसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है और क्लियर हो जाता है। इसे हमें हिस्टोरिकल तरीके से जानने और समझने की जरूरत है। साथियों, और एक बात मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करना चाहता हूं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण क्या है वो जानना समझना बहुत जरूरी है। वो महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्राह्मणों ने जब ये देखा कि बुद्ध जो है ये समस्त मूल निवासियों की राष्ट्रीय देवता है, आराध्य देवता है, देवता नहीं आराध्य देवता है, और महाराष्ट्र के भी लोगों की आराध्य देवता है,
तो आराध्य देवता का मतलब होता है कि उनसे लोगों को अलग करना संभव नहीं होता, उनसे उनको अलग से तोड़ना संभव नहीं होता। इसलिए ब्राह्मणों ने उनको बुद्ध से अलग करने के लिए उन्होंने बुद्ध के विरोध में कोई अभियान चलाने का काम नहीं किया। खास बात मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो फिर ब्राह्मणों ने क्या चालाकी की? ब्राह्मणों ने बुद्ध का खुल्लम खुल्ला विरोध करने के बजाय बुद्धि भेद करके विरोध करने का गुप्त तरीका अपनाया, ताकि बुद्ध को हम भी मान रहे हैं, आप भी मान रहे हो, हम भी मान रहे हैं। ऐसा करके उन्होंने बुद्ध को विष्णु का अवतार घोषित किया। नौवा, बुद्ध को विष्णु का अवतार घोषित किया और अवतार घोषित करके उन्होंने बुद्ध को ब्राह्मण धर्म के देवताओं में शामिल किया। ब्राह्मणों ने बुद्ध को एज इट इज स्वीकार नहीं किया, जैसा बुद्ध है वैसा स्वीकार नहीं किया, बल्कि बुद्ध को उन्होंने विष्णु का अवतार घोषित किया, नौवां अवतार घोषित किया। ये खास ध्यान देने वाली बात है कि ब्राह्मणों ने अभी भी कोई दसवां अवतार अभी तक घोषित नहीं किया, ब्राह्मणों ने नौवां अवतार घोषित किया। इसका मतलब है बुद्ध आखिरी अवतार है, क्योंकि दसवां अवतार आया नहीं अभी तक, ब्राह्मणों ने घोषित नहीं किया। तो जब ब्राह्मणों ने दसवां अवतार घोषित नहीं किया तो इसका मतलब है ये आखिरी अवतार है। अगर आखिरी अवतार है तो फिर बुद्ध को ब्राह्मणों ने बुद्ध के नाम से अपने धर्म की देवता के तौर पर प्रचार में क्यों नहीं लाया? यहां पर रहस्य छुपा हुआ है। उन्होंने बुद्धि भेद किया क्योंकि उनको धोखा देना था, तो उन्होंने क्या किया, अवतार घोषित किया, ब्राह्मण धर्म में उन्होंने शामिल किया और ब्राह्मण धर्म का प्रचार बुद्ध के नाम पर विष्णु के नाम पर कहते रहे। मैं नॉर्थ इंडिया में जाता हूं तो आपको थोड़ा समझाने के लिए उदाहरण देता हूं। अगर नॉर्थ इंडिया में अगर आपको खाना खाना है और शाकाहारी खाना है तो लिखा होता है वैष्णो ढाबा। वैष्णो ढाबा का मतलब होता है शाकाहारी। इसका मतलब यह है कि विष्णु का संबंध शाकाहार के साथ है, मांसाहार के साथ नहीं है। और पंचशील में शाकाहार का उल्लेख है। पंचशील में शाकाहार का उल्लेख है। तो अगर पंचशील में शाकाहार का उल्लेख है तो ऐसा कहा जा सकता है कि ये जो विष्णु वाला मामला है इसका डायरेक्ट संबंध जो अभी बहुत सारी एविडेंस के आधार पर बताया गया है कि वो विष्णु को सामने लाया गया कि विष्णु का अवतार है, बुद्ध जो है विष्णु का अवतार है। जो बुद्ध विष्णु का अवतार घोषित किया, ब्राह्मणों ने इसका प्रचार किया, इसका प्रतिवाद करने वाले जो बौद्ध भिक्षु थे उनका कत्लेआम किया, उनको केवल कत्लेआम नहीं किया, देश के तमाम बड़े जो बौद्ध विहार थे उस पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया, वहां के भिक्षुओं का कत्लेआम किया, तो प्रतिकार करने वाला कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रखा। तो ब्राह्मणों ने एक तरफी जो प्रचार किया, हजारों साल से प्रचार किया और उसका प्रतिकार करने वाला कोई वर्ग जो बुद्ध के भिक्षु थे वो नहीं थे, इसलिए एक तरफी प्रचार होता रहा और विष्णु बुद्ध की अवतार नहीं है।
या बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं है ऐसा कहने के लिए, बताने के लिए कोई प्रचारक वर्ग उपस्थित ही नहीं था, तो एक तरफी प्रचार करने का ब्राह्मणों ने फायदा उठाया। अभी जब हम लोग ये सारे सबूत ला रहे हैं तो कोई ब्राह्मण इसका प्रतिवाद नहीं कर पा रहा है, किसी ब्राह्मण के पास किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं है, कोई इसका प्रतिवाद करते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। तो उन्होंने इसका एक और रास्ता निकाला, वो रास्ता क्या है, अनुल्लेख, यानी इस पर चर्चा ही मत करो, क्योंकि इस पर चर्चा करने से मूल बात सामने आएगी और जो पर्दा पड़ा हुआ है वो लोगों के सामने आ जाएगी, इसलिए इस पर चर्चा ही नहीं करते हैं। ये तरीका उन्होंने अपनाया और इस तरह से उन्होंने बुद्ध को विष्णु का अवतार घोषित किया। विष्णु के संबंध में एक और बात भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि विष्णु को समंदर में, नदी में तैरता हुआ दिखाते हैं और उसको भी नागों का छत्र दिखाया जाता है, विष्णु को भी नागों का छत्र दिखाया जाता है। और नाग जो है उन्होंने अपना नीचे बेड बनाया है और उस पर विष्णु बैठा हुआ है, उस पर विष्णु सोया हुआ है, उस पर विष्णु बैठा हुआ दिखाई देता है, पहुड़ता हुआ दिखाई देता है, लंबे पैर करते हुए उसके चित्र बनाए जाते हैं। ये भी सिद्ध करता है कि ये विष्णु को इस तरह से दिखाने के पीछे बुद्धि भेद करने का मकसद था, और ये बुद्धि भेद ताकि लोगों के आंखों को ये बुद्ध के तरह ही विष्णु दिखाई दे, ऐसा दिखाई देता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि महाराष्ट्र में क्या किया उन्होंने। महाराष्ट्र में उन्होंने आजादी मिलने के बाद मराठा लोगों के साथ गुप्त समझौता किया। ब्राह्मणों ने मराठा लोगों के साथ गुप्त समझौता किया कि आपको राजनीतिक सत्ता दी जाती है, इसके बदले में आपको हमारी एक शर्त माननी होगी, सांस्कृतिक और धार्मिक नीति निर्धारण करने का अधिकार ब्राह्मणों का होगा। यह समझौता यशवंतराव चव्हाण के साथ, और संभवतः इस समझौते में तर्क तीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी, जवाहरलाल नेहरू और यशवंतराव चव्हाण इनके बीच में हुआ होगा, ऐसा कहा जा सकता है। और इसकी वजह क्या होगी कि हम लोग देश पर तो ब्राह्मणों का राज स्थापित कर रहे हैं मगर महाराष्ट्र में मजबूर होकर एक नाग को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाना पड़ रहा है। तो उन्होंने रणनीति बनाई कि शॉर्ट टर्म में हम लोग मराठों का राजनीतिक सत्ता में वर्चस्व स्वीकार कर लेते हैं, मगर ये वर्चस्व खत्म करने के लिए हमारे पास धार्मिक और सांस्कृतिक सत्ता अगर रहेगी, और ये धार्मिक और सांस्कृतिक सत्ता के आधार पर हम महाराष्ट्र की जो बहुजन प्रजा है उनका उनका जो है उनको प्रति इतिहास बताएंगे, उनका प्रति जागरण करेंगे और उनकी मानसिकता ब्राह्मणों के अनुकूल बनाएंगे, और अनुकूल बनाकर लोकतंत्र के आधार पर चुनाव लड़के हम लोग महाराष्ट्र में मराठा लोगों को परास्त करेंगे और महाराष्ट्र में फिर ब्राह्मणों का राज स्थापित करेंगे। मैं इसको सिद्ध करने के लिए दो और एविडेंस देना चाहता हूं। एक, जब पहली बार बीजेपी आरएसएस के समर्थन से शिवसेना का मुख्यमंत्री बना तो उसमें 71 एमएलए शिवसेना के थे, उसमें दो ब्राह्मण थे और 69 बहुजन थे,
दोनों के दोनों मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, एक मामा था एक भांजा था, दोनों के दोनों मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। उसमें से बड़ा साहब ठाकरे ने मनोहर जोशी को मुख्यमंत्री बनाया, एक इतिहास हमारे सामने है। दूसरी बात, महाराष्ट्र में जब बीजेपी की सत्ता आई और फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, तब यह मुख्यमंत्री पद राष्ट्रवादी के समर्थन से बनाया गया और बाद में उस समय उनके पास 122 एमएलए थे, बीजेपी के पास 122 एमएलए थे, 122 में 6 एमएलए केवल ब्राह्मण थे। इसका मतलब है 116 बहुजन थे, 116 के जो बहुजन थे, अगर भारत के संविधान के अनुसार जिसमें बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा कि विधिमंडल दल का नेता चुनने का अधिकार जो चुने हुए प्रतिनिधि होंगे उनको होगा और जो चुना हुआ नेता होगा वही मुख्यमंत्री होगा, इसके अनुसार 116 बहुजनों को अपना संसदीय दल का नेता चुनने का अगर अधिकार दिया होता जैसे संविधान में लिखा है तो एकनाथ खड़से महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हो गया होता, गोपीनाथ मुंडे चुनाव के पहले ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, उसको सेंट्रल में मिनिस्टर बनाकर दिल्ली में उसकी हत्या करवा दी गई। और महाराष्ट्र में जब मुख्यमंत्री चुनने का मामला आया तो केंद्रीय स्तर पर फडणवीस को मुख्यमंत्री चुना गया और फिर यहाँ केंद्रीय मंत्रियों को भेजकर महाराष्ट्र के 116 लोगों को उसके लिए साइन लेकर फडणवीस का समर्थन करवाया गया। और जैसे ही फडणवीस मुख्यमंत्री बना, मुख्यमंत्री पद का जो मुख्य दावेदार था उस दावेदार का एकनाथ खड़से का पत्ता फडणवीस ने काटा और फडणवीस पंढरपुर में अपने पत्नी के साथ विट्ठल की पांडुरंग की पूजा करने के लिए नहीं गया। उसकी वजह थी क्योंकि विट्ठल या पांडुरंग ब्राह्मणों की देवता नहीं है, वो नागों की देवता है, मूल निवासियों की देवता है, बहुजनों की देवता है। ये भी बात समझना बहुत जरूरी है। ब्राह्मणों ने छत्रपति शिवाजी महाराज को क्षत्रिय घोषित किया मगर माना कभी भी नहीं, क्षत्रिय कभी नहीं माना, क्षत्रिय घोषित किया माना कभी भी नहीं, माना शूद्र ही। संभाजी महाराज को भी ऐसे किया, शाहू महाराज को भी ऐसे ही किया और तीनों की हत्या की, संगठित रूप से गुप्त तरीके से, जैसे मौर्य साम्राज्य का आखिरी सम्राट जो नाग थे उसकी हत्या की गई षड्यंत्र के साथ, विश्वासघात के साथ, उसी तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज की और संभाजी महाराज की, शाहू महाराज की हत्या की गई। ये संगठित दहशतवाद, ये ब्राह्मणों का संगठित दहशतवाद जो है, इसके प्रभाव में आज भी महाराष्ट्र के मराठा लोग हैं। और ये वजह है कि कोई भी मराठा आदमी बहुत ज्यादा खुलकर ब्राह्मण लोगों के विरोध में स्टैंड लेता हुआ दिखाई नहीं देता, ये संगठित दहशतवाद का ही परिणाम होगा ऐसा कहा जा सकता है। मराठा लोग गांव में एससी एसटी ओबीसी को डराते हैं, महाराष्ट्र में मराठा लोग, वर्णन करके बता रहा हूं, एससी एसटी लोगों को डराते हैं, ब्राह्मण लोग महाराष्ट्र में महारों से डरते हैं क्योंकि 1818 को पेशवाराज का खात्मा किया, वो ब्राह्मण महारों से डरते हैं,
ब्राह्मण महारों से डरते हैं, मराठा को डराते हैं। ब्राह्मण महारों से डरते हैं, मराठा को डराते हैं, और डराने में इसलिए कामयाब है क्योंकि उन्होंने शिवाजी महाराज की हत्या की, संभाजी महाराज की हत्या की, शाहू महाराज की हत्या की, तो मराठा लोगों को लगता है हमारा भी नंबर लगा देंगे। इसलिए ये संगठित दहशतवाद जो है ब्राह्मणों का, मराठा लोगों के मन मस्तिष्क में छाया हुआ है। इसलिए खुलकर विरोध करने के लिए बहुत सारे मराठा लोग डरते हैं। वही मराठा लोग महारों को डराते हैं और महारों से ब्राह्मण डरते हैं। साला बड़ा अजीब किस्म का साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है। इस मनोविज्ञान को भी थोड़ा बारीकी से जानने और समझने की जरूरत है, इसलिए ये बात मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि मराठा लोग क्षत्रिय नहीं है, मराठा लोग नाग है, और क्षत्रियों से भी महाबलशाली पराक्रमशाली लोग है। प्राचीन काल में भी उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया और मध्य युग में भी उन्होंने अपना साम्राज्य शिवाजी महाराज के नेतृत्व में स्थापित किया, ऐसे सिद्ध होता है। संभाजी महाराज को तो सवाई शिवाजी कहा जाता है, यानी शिवाजी महाराज से भी ज्यादा महान कहा जाता है, इसलिए सवाई शिवाई शब्द उनके लिए यूज किया जाता है। शाहू महाराज के बारे में क्या कहा जाए, ये राजा होने के बावजूद भी वो बहुत बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे। उनका जो लिटरेचर अवेलेबल है उससे पता चलता है वो कितने विद्वान थे। साथियों, मराठा लोग नाग लोग हैं और वो क्षत्रियों से ज्यादा बलशाली, ज्यादा पराक्रमशाली लोग हैं। उनको क्षत्रिय बनने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय बनने से एक और बात होती है, वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय वर्ण ब्राह्मण से नीचे है। तो क्षत्रिय बनने से अगर मराठा क्षत्रिय बनते हैं तो ब्राह्मण से नीचे लगना होगा, तो ये कोई गौरव की बात नहीं है। मगर अगर मराठा नाग है, क्षत्रिय नहीं है और नाग है, तो नागों को नाग रहकर ब्राह्मणों के नीचे लगने की जरूरत नहीं है, और उनका बल और उनका पराक्रम भी क्षत्रियों से ज्यादा बना रहता है। और ब्राह्मणों ने क्षत्रिय का दर्जा देकर एक सीढ़ी नीचे मराठा लोगों को ब्राह्मणों के नीचे लगाने की कोशिश की। मराठा लोगों को क्षत्रिय बनने से फायदा नहीं है, ब्राह्मण के नीचे लगना होगा। मराठा लोगों को नाग बनने से फायदा है, क्योंकि उससे उनको ब्राह्मणों से नीचे लगने की जरूरत नहीं है। यह समझने की जरूरत है। पढ़े लिखे नौजवान लोग जो है मराठा समाज के, इस बात को समझ रहे हैं, इसका नेतृत्व करने का काम उनको करना चाहिए। यशवंतराव चव्हाण ने जो बहुत भारी गलती की, उस गलती की वजह से यशवंतराव चव्हाण को अपनी जान गंवानी पड़ी, और यशवंतराव चव्हाण का मृत्यु स्वाभाविक मृत्यु नहीं था, ऐसा खुद माननीय शरद पवार जी ने ये कहा है, जाहिर रूप से कहा है, और उसके सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास उपलब्ध है। अब मैं बहुत सारी बातें कह चुका हूँ और मेरे पास 2-2.5 घंटे का और मटेरियल है बोलने के लिए, मगर अभी मेरे पास में मैं और लंबा नहीं कहना चाहता, केवल 1-2 बात कहना चाहता हूँ, बस ज़्यादा नहीं, केवल 1-2 बात कह के समाप्त कर देता हूँ। ये जो महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय के जो लोग हैं उसमें हरिभक्त परायण, ह भ प जो शब्द आता है उसमें हरि शब्द बुद्ध के लिए उपयोग में लाया जाता है। हरि शब्द ह भ प, हरि भक्त परायण, भक्ति का आंदोलन भी बुद्ध के वजह से शुरू हुआ। और क्यों शुरू हुआ? बुद्ध के मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों के लिए इतनी लड़ाइयां हुई, संघर्ष हुआ, ये एक एविडेंस है। दूसरा एविडेंस है, बुद्ध के चैत्य बनाए गए और चैत्य के जो चैत्य बनाया जाता है उसके लिए प्रदक्षिणा की जाती है,
प्रदक्षिणा के अर्थ में ही वारी शब्द का अर्थ है, ये बात आपके सामने आ चुकी है। तो भक्ति का आंदोलन भी बुद्ध से ही शुरू होता है, और इसीलिए ये जो हरि भक्त परायण शब्द आया है ह भ प, तो ये तीनों शब्द जो है हरि भक्त परायण, हरि शब्द बुद्ध का नाम है, बुद्ध से ही भक्ति आंदोलन शुरू हुआ, उसका पारायण करने का मतलब है बुद्ध की विचारधारा को, बुद्ध के धम्म को, बुद्ध के सारे की सारी बातों को जानना समझना और आचरण करने से संबंधित बात ये है, ये दिखाई देती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आखिरी बात, बाकी जो मेरे पास और नोट्स लिखे हुए हैं उस पर मैं दूसरे किसी मौके पर मैं विस्तार से उस पर बात करना चाहूँगा, वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको रख देना ठीक नहीं होगा क्योंकि मौके पर ही कुछ बातें बोली जा सकती है। वो ये है कि ये जो बुद्ध से संबंधित बहुत सारी बातें हैं, बुद्ध से संबंधित जो उदाहरण है, ये बहुत सारी बातें आप लोगों के सामने मैंने बताई और बताने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया, तो आखिरी बात कहकर मैं आप लोगों के सामने अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। शंकर के गले में नाग को दिखाया जाता है, महादेव के गले में नाग दिखाया जाता है, तो मराठी में एक कहावत है, अरे वो तो उसके गले का ताईत है, गले का ताईत यानी उसका परम प्रिय भक्त। इसका मतलब ये है नागों को शंकर का, महादेव का भक्त बताया गया है, तो ये बाद के समय में शंकराचार्य के द्वारा ये बात लाई गई होगी ऐसा कहा जा सकता है, और डायवर्शन करने के लिए, बुद्धिभेद करने के लिए ऐसा किया गया होगा ऐसा कहा जा सकता है। इस किताब में एक बात और आई है, वो मामा देशमुख के द्वारा सामने लाई गई है, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है ऐसा मुझे लगता है। वो ये है, वो लाइन मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मा फुले इनके मित्र थे डॉक्टर विश्राम राम जी घोले, उन्होंने महात्मा फुले का सार्वजनिक सत्य धर्म इस पुस्तक की प्रस्तावना लिखी। इस प्रस्तावना में उन्होंने लिखा, विठोबा हा बौद्ध अवतार मानिला आहे, विठोबाचे देऊळ बौद्ध लोकांनी बांधलेले आहे, आर्य धर्म संस्थापकांनी ते देऊळ बडकावून त्या मूर्तीला विठोबा नाव दिले। जब ज्योतिराव फुले का सार्वजनिक सत्य धर्म महाराष्ट्र के लिटरेचर के द्वारा पब्लिश किया गया, तब विश्राम राम जी घोले की जो प्रस्तावना है वो डिलीट कर दी गई, और डिलीट करने की वजह ये दो ढाई लाइन रही होगी ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि ये महाराष्ट्र के लोगों को मालूम ना हो, ब्राह्मणों ने योजनाबद्ध तरीके से ऐसा किया होगा ऐसा कहा जा सकता है, ऐसा उन्होंने ब्राह्मणों ने किया होगा हमें समझ में आता है। मगर महाराष्ट्र में एक ज्येष्ठ विचारवंत है, माली जाति के है, ब्राह्मण लोग उनको ज्येष्ठ विचारवंत अखबार में लिखते रहते हैं, और ज्योतिराव फुले के बारे में भी वो बहुत सारी बातें लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं, और लोग उनको विद्वान भी मानते हैं। उन्होंने इस बात को महाराष्ट्र की प्रजा के सामने लाने का काम नहीं किया, उनसे अपेक्षा थी कि वो ये करते, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, ये काम मामा देशमुख के द्वारा किया गया। मैं इसके लिए मामा देशमुख का बहुत बड़ा आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, और इस तरह से मैं अपनी बात जो है यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ, और जो बहुत सारी बातें बची हुई है उन बातों पर जब मैं मौका देखूँगा तब इस पर बहुत ज़्यादा विस्तार से, और दो ढाई घंटे का समय लगेगा,
ऐसी बहुत सारी बातें हैं, इस मौके पर बोलना जरूरी था, मगर अभी मैं इसको, क्योंकि 11 बजे से ज़्यादा का समय हो गया है, लगभग 11:09 हो गए, इसलिए मैं अब ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। इतना ही कहकर मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी। एक बात मैं रह गया जो बोलना चाहता था, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक सत्य धर्म एक प्रकार से महात्मा ज्योतिराव फुले का धर्मांतर है। मैं इसको धर्मांतर मानता हूं, ताकि बहुजन समाज के तमाम राष्ट्र के लोग जो है इस बात को समझने की कोशिश करें। ये एक धर्मांतर है, सार्वजनिक सत्य धर्म ज्योतिराव फुले का धर्मांतर है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने शाक्त धर्म की दीक्षा ली। शाक्त धर्म जो है ये तंत्रयान शाखा से निकली हुई शाखा है। तंत्रयान बुद्ध की हीनयान, महायान, वज्रयान, तंत्रयान, ये चार शाखाएं थी, उसमें से तंत्रयान एक बुद्ध की शाखा थी। तंत्रयान शाखा से शाक्त पंथ निकला। इस शाक्त पंथ की दीक्षा छत्रपति शिवाजी महाराज ने ली। इसका मतलब है छत्रपति शिवाजी महाराज ने बौद्ध धर्म की जो तंत्रयानी शाखा थी, उस तंत्रयानी शाखा में धर्म परिवर्तन किया, और धर्म परिवर्तन करने के बाद शिवाजी महाराज बौद्ध हो गए। महापंडित शरद पाटिल कहते हैं, महापंडित सत्यशोधक शरद पाटिल कहते हैं कि शिवाजी महाराज के हत्या का मूल कारण शिवाजी महाराज ने शाक्त पंथ की दीक्षा ली, अर्थात बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, इस वजह से शिवाजी महाराज की हत्या हुई। संभाजी महाराज भी शाक्तपंथी थे, उन्होंने कोई दीक्षा नहीं ली, मगर वो पंडित थे और उन्होंने भी इस बात की दीक्षा ली होगी, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को राज्य कारभार चलाने का सारा अधिकार दिया था, क्योंकि शाक्त पंथ में महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया जाता है, और उन्होंने, संभाजी महाराज ने अपने पत्नी को पूरा का पूरा राज्य कारभार चलाने का अधिकार दिया था। इससे व्यवहार में सिद्ध होता है संभाजी महाराज भी शाक्त पंथ में दीक्षित हो गए थे, और ये भी एक वजह संभाजी महाराज के हत्या की रही होगी, ऐसा कहा जा सकता है। तुकाराम की, नामदेव को देश निकाला दिया गया, तुकाराम की हत्या की गई, ये सारी बातें बौद्ध से रिलेटेड है, बौद्ध होने की वजह से रिलेटेड है, और इस वजह से उनकी हत्या हुई होगी, ऐसा कहा जा सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन किया, धर्म परिवर्तन के बाद ही उनकी हत्या हुई, ऐसा कहा जा सकता है, और इसके आधार पर ये बात कही जा सकती है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, और साळुंके सर जो महाराष्ट्र में बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं, उन्होंने भूमिपुत्र गौतम बुद्ध नाम का किताब लिखा। भूमिपुत्र शब्द का एक अर्थ मूल निवासी होता है, मूल निवासी का एक अर्थ नाग होता है, ये बात मैं सिद्ध कर चुका हूँ। तो इस तरह से अब बहुजन समाज के लोगों को और बहुजन समाज के नौजवान लोगों को इस परिस्थिति को समझना होगा, इस परिस्थिति को जानना होगा, और समझ बूझ कर, जान बूझ कर इसे, इस बात को प्रमोट करना होगा। भविष्य में इस बात को वो प्रमोट करेंगे, इस आशा और विश्वास के साथ। आप सब लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने बहुत गौर सुबोध के साथ ये ब्राह्मण कैसे षड्यंत्रकारी है ये आपने बताया, और पंडरी का पांडुरंग
दूसरा कोई नहीं है, बुद्ध ही है, ऐसा अपने व्यक्त कर दिया है। इस कार्यक्रम का आखिरी सत्र में ये कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के